हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ऑफ दिस ईयर बागी 3 स्टारिंग टाइगर श्रॉफ इन लीड रोल हैज हिट द थिएटर्स टुडे। और पहला दिन, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, मेरे साथ तीन लोग हैं जो अभी अभी ये फिल्म देख के निकले, तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या रिएक्शन है। फिल्म कैसी लगी? फिल्म आपको बहुत अच्छी, इतना कि मुझे पता नहीं। एक्शन फुल ऑन था, फुल ऑन एक्शन। सॉन्ग भी मूवी में अच्छा था, दो सॉन्ग था, लास्ट का सॉन्ग भी अच्छा था। चलिए रिव्यू मैं नहीं देती हूँ, रिव्यू इनसे ही लेते हैं। पहला शो आप लोग देख के आए हैं? फाइव। सबसे अच्छा क्या लगा फिल्म में? सबसे अच्छा मुझे जो एक्शन पार्ट था, इस बार पहली बार हुआ कि मुझे उसका एक्शन पार्ट इतना मजा है, मैं बहुत एंजॉय किया एक्शन पार्ट। मुझे श्रॉन ऑफ द ईयर 2 इतनी पसंद नहीं आई थी टाइगर श्रॉफ की, लेकिन जो बागी 3 है, ये बागी 1 बागी 2 से फाड़ू मूवी है। ओके, तो आप बागी फ्रेंचाइजी की ये थर्ड फिल्म है, तो आपने प्रीवियस दोनों पार्ट्स देखे? फिल्म देखे, मतलब तीनों ही टाइगर श्रॉफ फैंस है। अच्छा, टाइगर छोड़ के कौन अच्छे लगे अदर देन टाइगर श्रॉफ? श्रद्धा कपूर, जैकी श्रॉफ एंड रितेश देशमुख ऑल्सो। हां, उनकी भी एक्टिंग इस बार कुछ अलग ही रोल था उसका। रितेश देशमुख वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, जो मतलब जो भी कैरेक्टर दे दो उसमें वो ढल जाते। फिल्म में गाने, डांस के बाकी रिव्यू आप लोग रिव्यू दे रहे हैं, रिव्यू दीजिए। डांस क्या बोले, डांस यू नो वेरी वेल कि टाइगर डांस भी अच्छा कर लेते, एक्शन भी अच्छा कर लेते, बस कॉमेडी उनसे नहीं होती। मुझे वो एक आंख मारो और लास्ट का भी 10 बहाने, तो वो गाना बहुत पसंद आया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट लाइक द फिल्म बिकॉज इट्स अ ट्रू कॉपी ऑफ साउथ इंडियन एंड हॉलीवुड एक्शन मूवी। आप साउथ इंडियन के एक मूवी उठा तकादा एक हिंदी नाम से, तो आप वो देख लो, पूरी ट्रू कॉपी है। मतलब कि एक एक पॉइंट आप वो मूवी देखने के बाद। टाइगर कैसे लगे? सब टाइगर की तारीफ करते हैं। टाइगर वाज गुड इन द मूवी, बट एक्शन वाइज एंड एक्टिंग वाइज ही इज गुड, बट नॉट दैट मच के मतलब कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वाज द सेम। तो ये एक ऐसे दर्शक हैं जो टाइगर श्रॉफ के बहुत बड़े फैन हैं और अभी अभी उन्होंने ये फिल्म देखी है और फिल्म निकल कर आने के बाद इतने खुश नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सिग्नेचर स्टेप भी किया टाइगर श्रॉफ का। कैसा लगा टाइगर श्रॉफ का काम बागी 3 में? फिल्म कैसी लगी? मैं टाइगर श्रॉफ का एक्शन और डांस का बहुत बड़ा फैन हूँ और बॉलीवुड में वही है जो एक्शन को बहुत बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, तो जो एक्सपेक्ट करके आया था डांस और एक्शन वो दिख गया। स्टोरी लाइन नॉर्मल था बट डांस एक्शन एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुआ। इसका इसके स्टंट्स जो हैं ज्यादा अच्छे हैं बागी 1 और बागी 2 से? नहीं, ये थोड़ा लेवल बढ़ा है, पहले वाले अच्छे लेवल बढ़ा है। हाँ, ज्यादा अच्छे। और क्या कुछ पसंद आया आपको? और क्या क्या पसंद आया, मतलब मेन तो मैं एक्शन का ही फैन हो गया और मैसेज ह्यूमैनिटी का दिया है तो वो भी अच्छा था। स्टोरी लाइन नॉर्मल लगा, सेकंड पार्ट बहुत अच्छा लगा। एज एन एक्टर टाइगर ने इम्प्रूव किया एक्टिंग वाइज? हाँ, स्टोरी के फ्लो में जो चाहिए था दिख गया, एक्सलेंट नहीं बोल सकता एक्टिंग में, उनका डांस और एक्शन ही एकदम स्ट्रांग है। टाइगर का एक डायलॉग बोलकर बताइए हमें, कौन सा डायलॉग पसंद आया? मुझ पे आए तो मैं छोड़ देता पर मेरे भाई पे आएगी तो मैं फोड़ दूंगा, टाइगर के अंदाज में। नहीं, वो तो अभी उनका ही रहेगा, वो तो उनका ही स्टाइल है। वो एक्सेलेंट एक्शन मूवी है और टाइगर सब का स्टंट बहुत अच्छा है, एक्शन मूवी है, अच्छी मूवी है, वन टाइम वॉच है, पैसा वसूल है, एंटरटेनमेंट बहुत है। एक्शन बागी 1 और बागी 2 से ज्यादा अच्छा है? मैंने 1 और 2 नहीं देखी लेकिन अच्छी है 3, ये तो मुझे अच्छी लगी। दोनों दो भाई की कहानी है, अमिताभ की दीवार यादव है। और क्या कुछ पसंद आया आपको उसमें? दिशा पट्टी का आइटम सॉन्ग है वो भी अच्छा लगा। आइटम सॉन्ग को आपने गौर से देखा बहुत। और लास्ट में जो गाना है, एक्चुअली वो गाना मेरा कंप्लेंट है, पिक्चर में बीच में दिखाना चाहिए 10 बहाने गाना जो है। 10 बहाने गाना आपको पसंद? बहुत अच्छा है, लेकिन वो पिक्चर गाना भी है होने के बाद में ही आता है पिक्चर, पता नहीं क्यों। बागी 3 में उसका रिलेशनशिप मुझे अच्छा लगा भाई के बीच में और उसने जो मैसेज दिया लोगों को और उसके रिलेशनशिप मुझे अच्छा लगा और उसका फाइटिंग सीन मुझे अच्छा लगा। और क्या क्या पसंद आया इसमें? 2 रिमिक्स गाने भी है, 10 बहाने, बंगस, ये दोनों गाने रिमिक्स भी किए गए हैं, रिक्रिएटेड वर्जन है। जो 90s के जो सॉन्ग थे वो ज़्यादा मुझे अच्छे लगते थे और इतना अच्छा नहीं, इतना मतलब कम बोलूंगा क्योंकि जो 90s के गाने थे वो अच्छे बेहतर थे, अभी रीमेक करके तो थोड़ा डाउन होता है वो। दिशा पटानी का एक आइटम सॉन्ग भी है? हाँ, वो शॉकिंग था कि मालूम नहीं था कि दिशा पटानी बागी 3 शॉकिंग था, पसंद नहीं आया? नहीं, मतलब था, पसंद आया पर इतना ये नहीं था, मतलब उसका डांस का मतलब। कितनी चलेगी ये फिल्म? मेरे को उसके एक्शन पे, उसके रिलेशन पे, मुझे एक्शन मूवी में जाएगा बहुत लंबी फिल्म। बागी 2 से बहुत बड़ी हिट होगी? बागी 2 से हिट होगी फिल्म, उसके एक्शन सीक्वेंस से हिट होगी फिल्म। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा लगा उसमें एक्शन और एक्चुअली कॉमेडी, सोचा नहीं था कि होगा पर बहुत अच्छा था, कॉमेडी भी अच्छा था। टाइगर श्रॉफ के फैन है आप? हाँ।
बागी वन और बागी टू देखी होगी, उससे ज्यादा अच्छी है? हाँ, उससे ज्यादा अच्छी है। क्या श्रद्धा और टाइगर की केमिस्ट्री कैसी लगी? इस टाइम अच्छी लगी। एक्चुअली श्रद्धा बागी वन में थी, फिर टू में दिशा थी, फिर थ्री में अचानक गैप हुआ, तो इतने टाइम के बाद देख के अच्छा लगा। राजन एक ऐसे मूवी बफ है जो हर शुक्रवार को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं किसी भी फिल्म का। इन्होंने अभी अभी बागी थ्री देखी है। राजन बताइए कैसी लगी आपको फिल्म? मैंने काफी दिनों से इसका ट्रेलर देख रहा था और मुझे लग रहा था कि मूवी कहीं 19-20 ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आई, और बट ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी। हालांकि स्टोरी और अच्छी हो सकती थी, बट हम स्टोरी को थोड़ा नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्शन सीन्स है वो इतने माइंड ब्लोइंग है, इतने स्टनिंग है कि आपको देख के मजा आ जाएगा। और इस फिल्म के मेकर्स हैं, इन्होंने कहा था कि द एक्शन सीन्स आर वेरी रॉ एंड वेरी रियल एंड वेरी इंटेंस, और VFX कम यूज़ किया गया है, विच आई कैन सी, क्योंकि मूवी अलग अलग जगह में शूट की गई है, मोरक्को में, इजिप्ट में, सीरिया में, टर्की। सो अब जहाँ भी ये मूवी शूट की, द सीन्स आर वेरी स्पेक्टेकुलर ऑन अ लार्ज कैनवस, बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। और उसके साथ साथ एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ, तो वो तो हमें पता ही कितना बढ़िया एक्शन करते हैं, तो आई थिंक ही इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट, और उन्होंने 4 चांद लगा दिए। और उसके साथ साथ स्टोरी और अच्छी हो सकती थी, एडिटिंग इट कुड हैव बीन एडिटेड बाय 15-20 मिनट्स, तो जो रमेश्वर भगत है उनको मैं कहना चाहूँगा इस फिल्म के एडिटर की, थोड़ी एडिटिंग की जा सकती थी। लेकिन सिनेमेटोग्राफी संतना रविचंद्रन की बहुत अच्छी है, म्यूजिक अलग अलग कंपोजर्स है, तनिष बागची, विशाल शेखर। और इस गाने कैसे लगे, 10 बहाने और बंगस? 10 बहाने तो रिक्रिएटेड दोस मैजिकल मेमरीज, और बंकर्स तो वॉज फुल ऑन, मतलब आई हैड अ ब्लास्ट व्हेन आई सॉ दैट सॉन्ग। तोहफा पिक्चर में हमने इतने साल पहले बप्पी लहरी का कंपोज किया वो गाना देखा था, और अभी उसको रिक्रिएट किया तनिष बागची, आई थिंक जो भी गाना जो रिक्रिएट भी करते हैं उसमें इतना जबरदस्त, मतलब 4 चांद लगा देते, एकदम बकवास। अच्छा, क्या छोड़ के आ रहा हूँ, आप जो बोल रहे 12 बजे शो छूटेगा, मैं छोड़ के आया पिक्चर, मेरे सर दर्द इतना हो रहा है, सर दर्द हो गया। एक्शन की काफी तारीफ कर रहे हैं सब लोग, क्या एक्शन है, इससे अच्छा एक्शन तो वॉर में देखो आप जाके। अच्छा, मैं तो वही सोच रहा वॉर के बाद सेकंड वॉर देखूंगा। अच्छा, बाकी साजी वैसे तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी वॉर के बाद टाइगर श्रॉफ? श्योर, टाइगर श्रॉफ तो वैसे ही हम उम्मीद करते हैं, पर पिक्चर में दम होना चाहिए ना, सम स्टोरी लाइन शुड बी देयर, स्टोरी इतनी अच्छी नहीं, इमोशनल स्टोरी नहीं है उसके अंदर, तो खाली कुछ भी बकवास स्टोरी लेके चल रहे, टॉपिक को लेके बना रही पिक्चर, फैमिलीज को उठा के साइड लेके जा रहे, क्या मतलब है, ये कोई स्टोरी है। आपको बागी वन और बागी टू पसंद आई? अरे दे आर क्लास पिक्चर्स यार, उसके साथ तो क्लासिक हो जाएंगे वो, तो ये कहूंगा डोंट वेस्ट योर मनी प्लीज, डोंट गो एंड वॉच इट, डोंट। अच्छा, आप डिस्करेज भी काफी कर रहे हैं। अरे क्यों, खाली पैसा कोई किसी बर्बाद करे, कलंक लोग समझ सकते हैं इनकी नाराजगी, इन्हें फिल्म बहुत खराब लगी है, इनका कहना है कि फिल्म में न कहानी है न सिर पैर है, और वो फंस गए ये फिल्म देखकर। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।